स्वागत है दोस्तों आप सभी का ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सस्पेंशन ब्रिज के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सस्पेंशन ब्रिज है, इसके लोड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे कि इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है और यह ब्रिज केबल बेस ब्रिज होता है जिसमें लोड डिस्ट्रीब्यूशन का आपको रिएक्शंस दिख रहे होंगे कि यहाँ पे ब्लू मार्क में रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है इसके बारे में एनालिसिस करेंगे आज की वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों बिना समय गंवाए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और जानते हैं सस्पेंशन ब्रिज में लोड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। तो दोस्तों अगर आपने क्लास 9th और 10th में ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो आप इस लोड डिस्ट्रीब्यूशन को काफी इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस सस्पेंशन ब्रिज का लोड जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो ट्रिग्नोमेट्री के मेथड से ही डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसी के मेथड से हम ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन हम सीखने वाले हैं। तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि किसने किसने ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो कमेंट में एक बार यस जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों एक बार आप मन में इसको देखने के बाद सोचिए, ये जो अपना केबल है इस केबल को हम बोलते हैं मेन केबल, इसी केबल पे ये पूरा ब्रिज हमारा टिका होता है। अब इस पे क्या क्या टिका होता है आप देख रहे हैं, ऊपर हमारा मेन केबल है, फिर जो नीचे आता है ये हमारा डेक स्लैब है जिसको हम डेक पैनल बोलते हैं, फिर उसके बाद आता है हमारा सस्पेंडर केबल, ये जो आप देख रहे हैं वर्टिकल में ये हमारे केबल हैं। तो जो भी लोड आता है वो किस पे आएगा, डेक स्लैब पे आएगा, और डेक स्लैब लोड किसको ट्रांसफर करेगा, अपने किनारे किनारे बीम पे, और बीम क्या करेगा, बीम पे हमारे लगे होते हैं सस्पेंडर केबल और ये केबल फिक्स होते हैं हमारे मेन केबल में। तो जो हमारा लोड आएगा वो डेक पैनल पे आएगा, फिर बीम पे आएगा, फिर उसके बाद सस्पेंडर केबल पे आएगा, फिर उसके बाद मेन केबल पे आएगा। मेन केबल क्या करेगा, टावर को ट्रांसफर करेगा, टावर जो ट्रांसफर करता है वो ट्रांसफर करता है फाउंडेशंस में, इसका यही फंडा है। तो एक बार आप थोड़ा सा इमेजिन करिएगा कि जब सारा लोड इस मेन केबल पे आ रहा है, मेन केबल ट्रांसफर कर रहा है किस पे, हमारे टावर को, तो हम क्यों ना इसी केबल पे ही लोड को रख के इसका हम टेस्ट कर लें कि क्या ये केबल हमारे उस लोड को ले सकता है कि नहीं ले सकता है। तो चलते हैं हम इसी केबल के ऊपर लोड रख के इस केबल का एनालिसिस करेंगे कि क्या ये वाकई में लोड ले सकता है कि नहीं ले सकता है। तो आप सभी को गोवा में कुछ इस तरीके का नजराना जरूर देखने को मिलेगा। तो ये सेम सस्पेंशन ब्रिज ही है जिसका हम लोड इस एग्जाम्पल के जरिए सीखेंगे। अभी आप कंफ्यूजन में होंगे कि ये कैसा सस्पेंशन ब्रिज, तो मैंने आपको क्या बताया कि टावर है, टावर पे हमारा मेन केबल लगा है और मेन केबल के ऊपर यहां हमने क्या रखा, लोड रख दिया। यहां पे हमारा आदमी है, बैठा है, जो एक झूला नुमा, ये एक झूला है जिसपे गोवा में लोग आनंद लेते हैं। अब इसके नीचे अगर हम डेक स्लैब लगा दें और फिर हम इस रस्सी जो हमारी लगी है यहाँ पे सस्पेंडर केबल लगा दें तो ये सेम हमारा सस्पेंशन ब्रिज हो जाएगा। तो मैंने आपको बोला था कि मैं इसी केबल के ऊपर ही लोड रख देता हूं, फिर सीखते हैं कि इसका क्या रिएक्शंस होता है, जो हमारे फोर्स आते हैं, जो लोड आते हैं इसमें क्या रिएक्शंस होता है इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों हमारे इस लोड की वजह से दो फोर्स जनरेट होते हैं, पहला होता है हमारा F1 और फिर दूसरा आता है हमारा F2। ये किसकी वजह से आया, ये हमारे इस लोड की वजह से जनरेट हुआ। अगर यहाँ पे लोड है तो ये क्या करेगा, ये जो हमारा केबल है, जो हमारी मेन रस्सी है यहाँ पे, ये क्या करेगा, नीचे की तरफ खींचेगा, फिर यहाँ पे एक फोर्स ऊपर की तरफ जनरेट होगा। तो ये हमारा F1 और F2 है, क्लियर हो गया। अब हम इसी रिएक्शंस को लेके चलते हैं, एक रिएक्शंस को पकड़ेंगे और पकड़ के हम इसके बारे में सीखेंगे कि कहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है। तो मैंने आपको बोला था जो अगर क्लास 9th और 10th का ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से जानता है तो वो इसको सॉल्व करने में माहिर होगा। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो आज मैं बता दूंगा, आप लोग जान लेंगे कि ये सस्पेंशन ब्रिज इसी के बेस पे काम करता है। तो मैंने आपको बोला था कि एक फोर्स को हम लेके चलेंगे F2, हमने एक जो हमारा फोर्स है F2 वो हमने यहाँ पे हमने उसको मेंशन किया। अब ये फोर्स क्या करता है, ये फोर्स जो है दो कंपोनेंट को जनरेट करता है, मतलब कि यहाँ पे इस फोर्स की वजह से दो कंपोनेंट जो हमारे क्रिएट होंगे, पहला होता है हमारा हॉरिजेंटल और दूसरा होता है क्या, वर्टिकल। वो किस तरीके से होगा, एक इस फोर्स की वजह से यहाँ पे एक हमारा एक्स एक्सिस बनेगा और दूसरा वाई एक्सिस बनेगा। जो हमारा एक्स एक्सिस होगा वहां पे हॉरिजेंटल फोर्स क्रिएट होगा और दूसरा जो हमारा ये क्या होगा, वर्टिकल फोर्स क्रिएट होगा। क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा, ठीक है।
अब ये बन गया हमारा हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। यहाँ पे दो रिएक्शंस हो रहे हैं। अगर इस कंडीशंस में हम यहाँ इस ये फोर्स के एज को और हॉरिजॉन्टल के एज को ऐसे हम मिला दें, कुछ इस तरीके से अगर मिला दें, तो ये एक राइट एंगल बनेगा और यहाँ पे हमारा बनेगा थीटा, यहाँ पे हमारा थीटा बनेगा। अब चलते हैं इसी पार्ट को, हम समझते हैं कि क्या ये फोर्स जो ऊपर वर्टिकल लग रहा है, क्या ये फोर्स इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये हम देखते हैं। तो ये थीटा बन रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में हम पाइथागोरस थ्योरम, जो हमारा इक्वेशंस क्या बोलता था, उसके बारे में जानते हैं और उसके जरिए हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारा पाइथागोरस जो इक्वेशंस है वो बोलता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो इस कंडीशंस में हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस में है, तो यहाँ पे जो हमारा क्या फोर्स हो जाएगा, ये फोर्स एफ एक्स हो जाएगा और ये हमारा फोर्स हो जाएगा एफ वाई, ये ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो आपको याद होगा कि साइन थीटा बराबर होता है हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई बाई एफ टू, फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, कॉस इज इक्वल टू थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, तो यहां पे क्या हो जाएगा एफ एक्स बाई एफ टू, क्लियर है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां पे हम एफ वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो एफ वाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ टू मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा, फिर आ जाएगा हमारा ये, यहां पे एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, F2 मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा। तो अब हम चलते हैं इस फॉर्मूले में, इनकी वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां पे हमारा हाइपोटेनियस क्या है, यहां पे F है, तो यहां पे हम लिखेंगे F2 स्क्वायर इज इक्वल टू, P हमारा क्या है, यहां पे परपेंडिकुलर हमारा क्या है FY, तो FY की वैल्यू क्या हमारा यहां पे है F2 इंटू साइन थीटा, तो यहां पे हम लिखेंगे F2 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस, अब यहाँ क्या हमारा बेस, बेस यहाँ पे क्या है, बेस हमारा है एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे देखेंगे कितनी है, तो प्लस हम लिखेंगे एफ टू का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एफ टू आप देख रहे होंगे कॉमन है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे हम चलेंगे, तो आगे देखेंगे आप, तो ये क्या हो गया हमारा एफ टू का स्क्वायर, अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कमेंट करके बताइएगा कि कितना होता है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, ये हमारा फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये क्या हो जाएगा, ये वन, और जब वन से वन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा एफ टू, इसका मतलब ये हमारा एफ टू का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ टू, इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू जो है इसके बराबर हो गई, जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो इस कंडीशंस में जो हमारा वर्टिकल फोर्स है ये इसके इक्वल हो जाएगा, जो यहाँ पे लग रहा है वो रिएक्शंस यहाँ पे भी इक्वल हो जाएगा। वो किसकी मदद से होगा, द लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल एज ऑफ द रिजल्टिंग ट्रायंगल इज ए प्रोपोर्शनल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एफ टू, ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, तो मैंने क्या किया था, हमने केवल F2 का नोट किया था, ये हमने F2 का निकाले थे, जो हमारा F2 टावर था, तो हमने वहाँ पे जो फोर्स जनरेट हो रहा था वो F2 था, तो सेम ऐसे ही हमारा F1 में भी क्रिएट होगा, तो सेम ऐसे ही आएगा F1 में भी, यहाँ का भी जो फोर्स है वो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इसको ग्राफिक से वेरीफाई करते हैं कि क्या ये वाकई में हो सकता है। अब ये देखिए, यहाँ पे हमने कॉलम लिया और कॉलम लेने के बाद यहाँ पे ग्रिड लगाया, ग्रिड के ऊपर हमने कुछ वेट रख दिए, यहाँ पे कुछ पत्थर आप देख रहे होंगे, अब ये वेट रखे, तो जब वेट रखे हैं तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कुछ फोर्स लगाएगा, वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल में भी कुछ फोर्स लगाएगा, तो ये फोर्स कितना हो रहा है इसके बारे में जानते हैं। अब जो हमारा फोर्स लग रहा है उसको मेजर करने के लिए हमने क्या किया, राइट साइड में एक स्प्रिंग स्केल लिया, जिसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे 45 न्यूटन का हमारा फोर्स दिख रहा है, ठीक है। जब हमने स्केल लगाया तो यहाँ पे 45 न्यूटन दिख रहा है, मतलब कि जो हमारा ये लोड है यहाँ पे कितना फोर्स आ रहा है 45 न्यूटन। यहाँ पे जो 45 आ रहा है वो केवल एक लगाया है, हमने केवल एक स्प्रिंग लगाया है, अगर हमने
इसको दो डायरेक्शंस में लगा दे, एक हॉरिजेंटल में एक वर्टिकल में, तब क्या हमारा फोर्स जनरेट हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आ रहा है 40 न्यूटन और यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 20। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कुछ आपको नंबर जो है सेम नहीं दिख रहे होंगे, यहाँ पे नंबर अलग अलग दिख रहे हैं। ये नंबर बताता है कि जो हॉरिजेंटल में वो 40 है और वर्टिकल में 20। इसका मतलब जो हॉरिजेंटल में जो हमारा फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है और वर्टिकल में हमारा कम लग रहा है। क्लियर है? अब ये जो हमारा हॉरिजेंटल में फोर्स क्रिएट हो रहा है ये क्या करेगा, वेरी करेगा किसके अकॉर्डिंग, जब हमारा ये एंगल चेंज होगा। ये जो हमारा एंगल है जैसे ही चेंज होगा, ऊपर अगर जाएगा नीचे जाएगा तो ये प्लस माइनस होगा। ठीक है, ये एंगल के ऊपर हॉरिजेंटल जो हमारा डिपेंड करेगा, पर जो हमारा वर्टिकल है ये हमेशा फिक्स रहेगा। जो हमारा वेट है उसके अकॉर्डिंग जो फोर्स आएगा ऊपर वर्टिकल में वो हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, ये फिक्स कैसे रहेगा कि हमने अभी ग्राफिकल एनालिसिस किया था जिसमें हमको ये बातें हमको क्लियर हो गई थी, इसकी वजह से ये क्या होगा, ये हमेशा फिक्स रहेगा। अब चलते हैं आगे। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली स्केल मेजर इट्स टोटल वेट। हम क्या करेंगे, अब वो जो हमने ग्रिड लिया था, ग्रिड के ऊपर हमने कुछ स्टोन रखे थे, कुछ पत्थर रखे थे, वेट रखे थे, उसको हमने दोनों साइड में हमने एक स्केल में इसको फंसा दिया मेजर करने के लिए। तो पता चला कि हमको ये जो वेट है वो कितना आ रहा है, टोटल ये 40 न्यूटन आ रहा है। ठीक है ना, ये 40 न्यूटन का जो हमारा है ये फोर्स आ रहा है। इसका मतलब आपने देखा था जो वर्टिकल था इससे पिछले वो कितना था, 20, वर्टिकल में 20 था। क्लियर हो गया, वो 20 था, अब यहाँ पे 40 आ रहा है, वो हमने सिंगल में लगाया था और यहाँ हमने दोनों में ही लगा दिया तो 40 आ रहा है। इससे हमको ये क्लियर होता है कि जो हमारा वेट है यहाँ पे, जो हमारा वेट है ये वेट, इस वेट का जो यहाँ पे फोर्स आएगा वो क्या आएगा, इसका यहाँ पे आधा आएगा और यहाँ पे आधा आएगा, मतलब W/2 जो यहाँ पे रिएक्शंस हो गए फोर्स के वो क्या होगा, हाफ हाफ होगा इस वेट के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं इसको ब्रिज में थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे, सस्पेंशन ब्रिज में। तो ये गोवा का जो सीन है, अब आप देखेंगे जो रिएक्शंस हो रहे थे यहाँ पे हमारा F1 साइड में रिएक्शंस जो हो रहा है वो हो रहा है और F2 साइड में जो रिएक्शंस हो रहा है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आ रहा है। अब क्या ऐसा रिएक्शंस जो हमारे क्रिएट हो सकता है हमारे सस्पेंशन ब्रिज में, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि ये ऐसे ही तो है, सेम यहाँ पे भी वही रिएक्शंस आएंगे, यहाँ पे भी वही हमारे जो है कि फोर्स क्रिएट होंगे। अब इस कंडीशंस में क्या होगा, हमने तो वेट भी निकाल लिया, फोर्स कहाँ कहाँ पे क्रिएट हो रहा है ये भी निकाल लिए। अब वेट के बारे में जानते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो हमने डायग्राम बनाया, पहला हमारा है विदाउट लोड और दूसरा हमारा है विथ लोड। अब इसका मतलब क्या हुआ, विथ लोड में क्या है, विदाउट लोड में क्या है। तो पहला हमारा विदाउट लोड है, तो जब हम ब्रिज तो बना लिया, बनाने के बाद यहाँ पे कोई लोड नहीं आ रहा है तो हमारे टावर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जाहिर सी बात है नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे ही हमने लोड लगा दिया, यहाँ पे हमने लिखा है विथ लोड, जैसे ही हमने यहाँ पे लोड रखा तो उस टाइम क्या हमारा टावर जो है अंदर की तरफ बेंड कर गया, अंदर की तरफ आप देखेंगे ये टावर जो है बेंड कर गया। अब ये बेंड कर गया तो इसका मतलब हमारा स्ट्रक्चर जो है फेल हो गया। अब इसको हम कैसे ठीक करेंगे कि ये हमारा बेंड ना हो, क्योंकि जब ब्रिज बनाया है तो जाहिर सी बात है उसमें व्हीकल्स दौड़ेंगे और जब दौड़ेंगे तो जो हमारा डेक स्लैब का लोड है वो मेन केबल पे जाएगा और मेन केबल क्या करेगा, उस टावर को अंदर की तरफ बेंड करने की कोशिश करेगा। अब इसको रेजिस्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशंस में जो हमारा टावर है, ये हमारा जो टावर है वो स्टडी टावर होना चाहिए कि मजबूत होना चाहिए। आप देखेंगे कि पिछला जो हमारा टावर था ये कैसा था, ये थोड़ा सा नाजुक था, इसको इसका थिकनेस वगैरह कम था। जब हमने इसको मजबूत बनाया तो ये क्या हुआ, थोड़ा सा जो लोड आएगा उसको क्या करेगा, वो बेयर कर लेगा, ये टावर जो है अंदर की तरफ बेंड नहीं होगा। तो ऐसा नज़ारा जो है आपको दिखाई देगा कहाँ पे, ये देख रहे हैं जो टावर बना है ये एक लंदन का ब्रिज है जहाँ पे इसके टावर को काफ़ी मजबूत बनाया गया है, देख रहे हैं दोनों साइड में मजबूत बनाया गया है कि ये जब भी हमारा लोड इस पर आएगा तो ये टावर जो अंदर की तरफ बेंड नहीं होगा। अब टावर को तो हमने मजबूत बना लिया, अब क्या करते हैं, एक अब आप वीडियो देखिए कि यहाँ पे क्या इफेक्ट हो रहा है। लोड आया, लोड आने के बाद हमने क्या किया, फिर हमने एक साइड में एंकरिंग किया, हमने साइड में एक और स्पैन बनाए जिससे क्या हुआ, ये जो अभी बैंड हो रहा था वो क्या हो गया, वो ऊपर की तरफ जाके इक्वल हो गया, मतलब कि जो लोड यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे जो लोड आ रहा था वो क्या हुआ, कैंसल आउट हो गया। ठीक है, अब ये किस तरीके से होता है इसके बारे में भी जानते हैं। तो मेकिंग अनदर अप्रोच, हमने क्या किया
कि जो हमारा मेन स्पैन है, ये जो हमारा मेन स्पैन है यहाँ से यहाँ तक, साइड में हमने क्या किया, एक अलग से और एंकरिंग कर दिया हमने अप्रोच बना के। इससे क्या होगा कि जो टावर बन रहा है हमारा, जो हमारा टावर बना है, तो यहाँ से जो केबल गई है, इस केबल को डायरेक्ट यहाँ से निकाल के यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे फाउंडेशंस बना के इसको एंकरिंग कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो हमारा लोड आ रहा था वो दब रहा था नीचे की तरफ, ये एंकरिंग की वजह से क्या होगा, वो फोर्स इक्वल हो जाएगा। मतलब कि कुछ इस तरीके से जो हमारा लोड आएगा वो कैंसल आउट हो जाएगा। जो हमारा मेन स्पैन में लोड आ रहा है वो यहाँ पे इसके बनाने से ये क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, जिससे यहाँ पे हमारे मेन स्पैन पे कोई इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। हमारे सिंपल सा फॉर्मूला है क्लास 9th और 10th का ट्रिग्नोमेट्री, उसी बेस पे ये सस्पेंशन ब्रिज का जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो वर्क करता है। अब चलते हैं, अब लास्ट समझते हैं सस्पेंशन ब्रिज का लोड डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन क्या है। अभी आप देख रहे हैं ये अपना क्या है, ये डेक स्लैब है पूरा, जिसको हम डेक पैनल भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक व्हीकल है, अब इस व्हीकल का लोड कहाँ गया, इस डेक पैनल पे आया, यहाँ पे आएगा। इसके बाद ये कहाँ जाएगा, साइड साइड में जो बीम बने हैं वहां पे जाएगा। अब इस बीम का वर्क क्या है, ये ट्रांसफर कर देगा सस्पेंडर में, ये सस्पेंडर में ट्रांसफर करेगा, और सस्पेंडर क्या करेगा, मेन केबल को ट्रांसफर कर देगा। ये जो हमारा यहाँ पे है मेन केबल, इसको ट्रांसफर कर देगा। अब मेन केबल क्या करेगा, सीधा टावर में भेजेगा, फिर टावर क्या करेगा, नीचे फाउंडेशन में भेज देगा। ये अपना फंडा है। अब मैंने आपको जो समझाया कि जो हमारे रिएक्शंस कर रहे थे फोर्स के, जो हमारे रिएक्शंस कर रहे थे हमारे केबल में, वो कैसे करते हैं वो जान लिए आप। लास्ट में आपने ये भी जान लिया कि व्हीकल का जो लोड हमारा वो कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होके कहाँ पे जा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उनको बताइएगा कि सस्पेंशन ब्रिज जो है किस तरीके से वर्क करता है। तो दोस्तों एक बार जरूर बोलिएगा कि करना है खास, तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरु जी के साथ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक के साथ। तो आज के लिए अलविदा, जय हिंद।